आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, मैं नैंसी प्रसाद, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार कई धमाके। यूक्रेन के जेपो रीजन न्यूक्लियर प्लांट के पास रूसी मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। उधर रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी। इसी बीच कीव में एक भारतीय छात्र गोली लगने से घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का कहना है कि हम कम से कम नुकसान से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार की गई हैं। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मिजिस्टेंसेव ने बताया है कि 130 रूसी बसें भारत छात्रों को अन्य विदेशियों को यूक्रेन के खार्विक रूसी सुमी में रूस के बेलागोरे क्षेत्र से निकालने के लिए तैयार है। श्रीनगर में बिहार के सीआरपीएफ जवान की मौत। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र के और बिघा गांव निवासी टीपू लाल के पुत्र सीआरपीएफ जवान आनंद लाल के मौत बुधवार की सुबह 8 बजे श्रीनगर में हो गई। उन्होंने खुद को गोली मार ली और तिरंगे में लिपटा शव गुरुवार को सुबह पैतृक गांव लाया गया। शव आते ही गांव में सर्वजनों के बीच और आम बच्चे इस दौरान हंगामा खड़ा हो गया। स्वजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। जवान के पिता का कहना था कि बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। मौके पर पहुंचे सीआरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि आनंद ने खुद को गोली मार ली है। अधिकारी की बात सुनते ही स्वजनों ने कहा है कि हत्या की गई है। बाद में सीआरपीएफ सीओ व स्थानीय थाना अध्यक्ष के समझाने के बाद स्वजन माने सीओ ने कहा कि जवान की मौत में जांच के आदेश दिए गए हैं। जवान के स्वजनों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। दिल्ली, मुंबई और हिंदन में होगी 18 फ्लाइट की लैंडिंग। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा की तहत अब तक हजारों छात्रों की घर वापसी कर चुकी है। बीते कुछ दिनों से मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा को तेज कर दिया। यूक्रेन संकट चलते भारतीयों को निकालने के मिशन पर विदेश मंत्रालय ने अगले 24 घंटे के लिए 18 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार आज और कल विशेष उड़ानों से यूक्रेन और पड़ोसी देशों में 7,400 से अधिक भारतीयों को वापस लाए जाने की उम्मीद है। मोदी जिंदाबाद के नारों पर छात्रों की चुप्पी। यूक्रेन में फंसे छात्र जब भारत लौटे तो उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान में अंदर पहुंचे छात्रों से मुखातिब थे। इस दौरान मंत्री ने छात्रों से कहा कि बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक हो गए। इतना कहते हुए मंत्री ने दो बार भारत माता की बोला तो छात्रों ने इसका जवाब जय कहकर दिया। तीसरी बार मंत्री ने बोला मान दिया, मोदी जी जिंदाबाद, इस पर भी सारे छात्र चुप हो गए। आखिरकार मंत्री ने ही दो बार जय माननीय मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बनाया। ये वीडियो अब खूब शेयर किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जय अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री के लिखा है, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। कभी कभी मन में ये बात आती है कि रात भर हम सोए नहीं, ऑफिसर क्रू और छात्र की सोए नहीं है। यदि प्रधानमंत्री जैसे नेतृत्व हमको नहीं मिलता तो पता नहीं आज कैसी स्थिति होती। एमपी में दलित युवती को शिव पूजा में रोका। खरगोन में महाशिवरात्रि पर दलित युवती को महादेव की पूजा करने से रोक दिया गया। पुजारी ने युवती को मंदिर में एंट्री नहीं दी। इस घटना को लेकर जमकर बवाल मचा है। मामला तेमला गांव का है। महाशिवरात्रि पर जब युवती पूजा करने मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। पुजारी के साथ दो महिलाएं भी उसे भीतर नहीं जाने का कहने लगी। युवती पूजा करने देने की गुहार लगाती रही, संविधान की दुआई देती रही, पुलिस को बुलाने को भी बात कही, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। युवती कहती रही कि संविधान में कहां लिखा है कि यह सिर्फ तुम्हारे भगवान है। ये इस मामले में गुरुवार को युवती के साथ अनुसूचित जाति के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद मेन गांव पुलिस ने पुजारी के साथ की दो महिलाओं पर केस दर्ज किया है। आईटीबीपी में नौकरी दिलाने के नाम पर की थी ठगी। पीलीभीत के फिसलपुर थाना क्षेत्र के कड़खेड़ा निवासी अमित कुमार पुत्र दीनानाथ ने भूता पुलिस को 2 मार्च को तहरीर दी थी कि पंदायू में थाना बिसोली के गांव बिजोर निवासी छोटे लाल पुत्र श्री पाल भी एसएफ कांस्टेबल है, जिसे बर्खास्त कर दिया गया। उसने पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर अमित कुमार के साथ ही हबीबुल्ला खां कस्बा थाना बिसरपुर और विपिन कुमार पुत्र भीम से निवासी ग्राम सुप्रिया थाना बिसरपुर जनपद पीलीभीत से लाखों रुपए की ठगी की है। बुलंदशहर में पत्नी की गला घोटकर हत्या। बुलंदशहर के कोरथान क्षेत्र के एक महिला की हत्या का शव को नाले में फेंक दिया गया। हसनपुर के रहने वाले
भारती बृहस्पतिवार शाम को अपने पति के साथ घर से निकली थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी पति और पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है। इसी के कारण आरोपी पति ने पहले महिला के गले घोंट कर हत्या की। इसके बाद शव को पहचान ना हो सके, उसके चेहरे को बुरी तरह से ईंट से कुचल दिया। बाद में शव को नाले में फेंक दिया। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। बांदा में दिल दहला देने वाली घटना। आदर समाज में पिता की तुलना ईश्वर से की गई है। उसने अपनी संतानों को सबसे बड़ा रक्षक माना चाहते हैं, लेकिन नरेनी के कलीजर था खेत में रामनगर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक पिता ही अपने बेटों का भक्षक बन गया। बेटा चिल्लाता रहा, रोता रहा और कहता रहा कि पापा छोड़ दो, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। दरअसल उसे अपनी पत्नी के वे संबंध होने का शक था, जिसके चलते वह बेटे को भी नजायज मानता। इस कारण उसने अपने बेटे की पूल में फेंक कर हत्या कर दी। इसके बाद वह बेटे के शव को कंधे में लाकर घर ले आया, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर मामला उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा का होने के चलते पुलिस सीमा विवाद में भी उलझी रही। विराट का 100वां टेस्ट देखने मोहाली पहुंचे उनके भाई। भारत और श्रीलंका के बीच आज से शुरू हुआ पहला टेस्ट मैच विराट कोहली के लिए बहुत खास है। वे अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने मोहाली के स्टेडियम में उतरे हैं। विराट के 100वें टेस्ट को यादगार बनाने के लिए उनके बड़े भाई विकास कोहली भी स्टेडियम में मौजूद है। साथ ही कोच राजकुमार शर्मा भी पहुंचे। विकास ने कहा है कि विराट को यहाँ तक के सफर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी कड़ी मेहनत का ही फल है कि वो यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं। हम फैंस को भी शुक्र करते चाहते हैं जिन्होंने हमेशा विराट को मनोबल बढ़ाया है। हम चाहेंगे कि फैंस को ये प्यार हमेशा हमारे परिवार और भाई के साथ बना रहे। उन्होंने बताया है कि विराट का ये ऐतिहासिक मैच देखने मान नहीं आ पाई, लेकिन विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा सर भी यहाँ पर आए हुए हैं। KGF 2 कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील के अपकमिंग फिल्म KGF 2 का ट्रेलर 27 मार्च को आने वाला है। यह टैलेंटेड मॉलीवुड एक्टर पृथ्वीराज सकुमारन ने हाल में ही सोशल मीडिया पर जल्दी खुलासा किया है कि उन्होंने यह फिल्म देख ली है। वो फिल्म का प्रीव्यू शो देखने पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म देखने के फोटो शेयर कर बताया कि उनका यह फिल्म देखकर दिमाग घूम गया। फिल्म को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन टीम के साथ ही एक फोटो शेयर करते हुए पृथ्वीराज ने लिखा है, KGF 2 में मैंने जो देखा उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया। प्रशांत नील ने इस फिल्म में साथ सिनेमा का नया स्टैंडर्ड सेट किया है। बता दें पृथ्वीराज असल में KGF 2 के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हम असल समाचार चैनल को। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।